जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज अपडेट जो है जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास होमगार्ड के जो है कुल टोटल 1715 पदों पर इस वक्त की सबसे बड़ी भर्ती जो है बिगेस्ट भर्ती अपडेट्स जानकारी आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आया है। तो आप जो है किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास होमगार्ड के 1715 पदों की तैयारी आप जो है किस तरीके से कर पाएंगे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है आप किस तरीके से कर पाएंगे, आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास होमगार्ड के कुल टोटल 1715 पदों पर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज निकल कर आया। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नए नए भर्ती विज्ञापन जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सीजी व्यापम के द्वारा आप सभी स्टूडेंट के लिए निकाले जा रहे हैं और इसका सीधा सीधा लाभ, सीधा सीधा फ़ायदा, बेनिफिट्स आप सभी स्टूडेंट को ही मिलने वाला है। तो जितना हो सके मेहनत करना, जितना ज़्यादा हो सके आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से देखने को मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास होमगार्ड के 1715 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है वैकेंसी जो है होने वाला है। तो आपको बताना चाहता हूँ इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, आपका 12वीं पास होना चाहिए। तो यदि आपका 12वीं पास है तो आप जो है छात्रावास होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आराम से एलिजिबल है। इसके साथ हम बात करें आयु सीमा के, तो मिनिमम एज लिमिट आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। वहीं अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज छूट के, तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो छात्रावास होमगार्ड भर्ती परीक्षा के सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल ही आसान होता है। इसमें जो है आपका सीधा सीधा जो है सीधी भर्ती देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बाद सीधी भर्ती जो है हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, कुल 1715 पदों पर भर्ती नई वैकेंसी जो है होने वाला है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे, किस तरीके से हम जो एनालिसिस कर पाएंगे, किस तरीके से हम जो जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे, ताकि हम जो छत्तीसगढ़ में छात्रावास होमगार्ड भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकें और एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से नंबर ला सकें, देन आपका सिलेक्शन जो है हो पाए। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नए नए कैरियर ऑप्शंस, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए जॉब्स रिक्वायरमेंट्स, नई नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो बस आपको मेहनत करना है, आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो छात्रावास होमगार्ड के 1715 पदों पर आप लोगों के लिए भर्ती जो है होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको करेंट अफेयर्स के बारे में ही नॉलेज रखना है, क्योंकि करेंट अफेयर्स हमारे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए शुरुआत की सीढ़ी होते हैं। तो करंट अफेयर्स की यदि आपको नॉलेज चाहिए तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है, इसके साथ इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, करंट अफेयर्स के बारे में आप संपूर्ण नॉलेज आपको मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती रिक्वायरमेंट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए निकाले जा रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा फ़ायदा, बेनिफिट्स आप सभी स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो कभी भी मेहनत करने समय जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हम तैयारी करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, देन उतना ही एक अच्छा एक बेहतर रिजल्ट हमें मिल पाएगा। तो मेहनत अच्छे से करना है आपको, तैयारी अच्छे से करना है। तो एक ही बार आपको ज़िंदगी मिली है, तो इसी की ज़िंदगी में आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, आपके जितने भी ख्वाब्स हैं, आप अपने सभी ड्रीम्स को, आप अपने सभी ख्वाबों को जो है पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी आपको जो है बार बार मिलने वाला नहीं है। एक ही बार आपको ज़िंदगी मिलती है और एक ही बार में आपको अपने सभी ड्रीम्स को, अपने सभी ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेस्ट तरीके से तैयारी कर पाएंगे और एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला पाएंगे। साथ ही छात्रावास होमगार्ड भर्ती परीक्षा में मैथ्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथ्स से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथ्स में आपका एग्ज़ाम्स में आएगा घातांक, अनुपात, सम अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, घन, घनाभावसत, चाल समय तथा दूरी, इनसे संबंधित प्रश्न आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, आपको मैथ्स के बारे में कम्प्लीट ए टू जेड नॉलेज मिल जाएगा और आप मैथ्स में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती
करियर ऑप्शंस आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो जितना हो सके आपको मेहनत करना है, जितना ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम्स की स्टडी करना है, प्रिपरेशन करना है, देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, तैयारी ही नहीं करेंगे और सिर्फ सोचेंगे, तो सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है, सोच से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग यहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में आपका जो है तार्किक लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ अंकगणित पूछे जाते हैं। रीजनिंग जो तार्किक वाला रहता है, लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ अंकगणित, उसको समझना इतना आसान नहीं होता। आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन लॉजिक वाला अंकगणित को समझ नहीं पाएंगे, भले ही आप अंकगणित को सॉल्व कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती, नई नई रिक्वायरमेंट्स, नए नए करियर ऑप्शंस, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब ऑप्शंस आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, और देन आपको इसका एक अच्छा, एक उमदा, एक बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिल पाएगा और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती जो है, नए नए ऑप्शंस आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। बस मेहनत करना है, तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास होमगार्ड के 1715 पदों पर आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक जो है नए नए भर्ती, नए नए करियर ऑप्शंस, नए नए जॉब ऑप्शंस, नए नए रिक्वायरमेंट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए आते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम की स्टडी कर पाएंगे, उतना ही आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे, देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती जो है आने वाला है, बस हमें मेहनत करना है, तैयारी करना है। तो प्लीज़ वीडियोस पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि अगर आप में से जो भी स्टूडेंट अगर जिनको अगर वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट करेंगे, तो जो भी डाउट्स रहेगा वो सभी डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो छत्तीसगढ़ में छात्रावास होमगार्ड के 1715 पदों पर भर्ती के लिए जब भी कोई नई अपडेट आएगा, मैं आप सभी को अवश्य रूप से बता दूंगा। तो बस मेहनत करना है, तैयारी करना है, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी जो है ज़रूर मिलेगा। बस मेहनत करना, सक्सेस कहीं नहीं जाएगा, आपको एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।